हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में आपको एक स्टोरी करवाएंगे, द थर्स्टी क्रो। कल भी हमने आपको प्यासे कौवे की कहानी करवाई है हिंदी में, तो इसलिए आपको इसको समझना भी बहुत इजी हो जाएगा। बट आपको इनकी स्पेलिंग लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप लर्न कर पाएंगे। ठीक है, पहले मैं रीड करूंगी, फिर स्पेलिंग और मीनिंग बताऊंगी। ठीक है। There was a crow. He was thirsty. He flew here and there. At last, he reached a garden. There he saw a jug of water. The water was very low in it. The crow was wise. He saw some stones near the जग। दा दो बार है, एक बार कट कर देंगे, दो बार प्रिंट हुआ पड़ा ना यहाँ, तो एक बार। नियर द जग ही पुट स्टोन्स इन टू द जग, द वाटर रोज अप, द क्रो ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे। ये रीडिंग है, अब हम पढ़ेंगे। देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। ही वाज थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। ही फ्लू हियर एंड देयर, वह इधर उधर उड़ रहा था। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, अंत में वह एक बाग में पहुंचा। देयर ही सॉ अ जग ऑफ वाटर, वहां उसने एक पानी का घड़ा देखा। जग को यहाँ पर घड़ा बताया गया, ठीक है। जग ऑफ वाटर, द वाटर वॉज वेरी लो इन इट, उसमें पानी बहुत कम था। द क्रो वॉज वाइज, कौआ बहुत बुद्धिमान था। ही सॉ सम स्टोन्स नियर द जग, उसने कुछ स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स कंकड़, घड़े के पास पड़े देखे। ही पुट स्टोन्स इन टू द जग, उसने कंकड़ घड़े में डाले। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक इट एंड फ्लू अवे, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। अब मोरल क्या है शिक्षा? वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। यानी कि उसने उस पानी को प्राप्त करना था, उसकी इच्छा थी, तो उसने अपनी बुद्धिमता से पानी पी लिया। कैसे? कंकड़ डाल के। तो जब हमारी इच्छा होती है जो काम करने की, हम उसे करके ही रहते हैं। तो आप बच्चों को ये स्टोरी लर्न करनी है, रीड करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी भी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।